रामनगर पीएनजी राजकीय स्नानोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक सचिव, संयुक्त सचिव, संकाय प्रतिनिधि कला, संकाय प्रतिनिधि वाणिज्य में निर्विरोध चुना जाना तय। अन्य 6 पदों पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है चुनाव। वही रामनगर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के एबीवीपी और एनएसयूआई उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में वोट करने के लिए एक साथ प्रेम पूर्वक मांगते दिखे वोट। बता दें कि छात्र संघ निर्वाचन 2023 के तहत पीएनजी राजकीय स्नानोत्तर महाविद्यालय में आज चुनाव चल रहा है। 6 पदों पर 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वहीं 4 पदों पर निर्विरोध 4 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बता दें कि इस बार 6 पदों पर महाविद्यालय रामनगर में आज चुनाव चल रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के ललित कड़ाकोटी और एबीवीपी के हीरा सिंह राणा मैदान पर हैं। वहीं सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला चेतन पंत, मनोज निगी, रोहित रावत के बीच में है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष छात्र के लिए भास्कर सत्यावली और शिवांग रस्तोगी, उपाध्यक्ष छात्रा के लिए दीक्षा बेलवाल और नीलम, कोषाध्यक्ष के लिए नैतिक करगेटी, रोहित कुमार पुत्र बहादुर राम। इसी प्रकार विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में केवल सिंह और पीयूष जोशी 6 पदों के लिए मैदान में हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पर आके मतदान केंद्र में आके आपने हालचाल जाना। आज मैं मतलब जिस तरीके का मतदान इसमें मेरे को देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पक्ष में आस की चाम होने वाली है। देखिए, मैं अभी भी अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अभी भी अपने दावों पे खड़े उतरूंगा। मेरा पहला काम यही रहेगा कि महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाना, और दूसरा 3 सब्जेक्ट यहाँ पे मेन खोलना, BA ऑनर्स, BCOM ऑनर्स और BSc ऑनर्स, और तीसरा जो मेन काम रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाइब्रेरी में नई किताबें लेके आना। मैं बहुत जीत के प्रति आशा था, क्योंकि मैं जिन भी क्षेत्रों में गया बच्चों का बहुत ही अच्छा रुझान था। और मैं सबसे पहले अपील करना चाहूँगा बच्चों से कि बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें, क्योंकि किसी प्रतिनिधि को चुनना आपका हक है, क्योंकि ये प्रतिनिधि आप पूरे साल भर आपके लिए कार्य करेगा और रामनगर से नैनीताल आपके लिए दौड़ लगाएगा। वह महाविद्यालय के चुनाव प्रभारी से मौर्य ने बताया कि इस बार हमारे कॉलेज में 6 पदों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कॉलेज में 1413 छात्र और 2663 छात्राएं मतदान करेंगी। इस प्रकार कुल 3676 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। चुनाव हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 8 बजे शुरू हो गया है, और शुरू में मतदान थोड़ा धीमा था, लेकिन अब रेगुलर बच्चे आ रहे हैं। इसमें हमारे जो वोटिंग हो रही है आज के दिन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्र, उपाध्यक्ष छात्रा, सचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, इन पदों पर चुनाव। हाँ जी, सांस्कृतिक सचिव पद पे एक ही कैंडिडेट था। विज्ञान संकाय प्रतिनिधि पे कोई नामांकन नहीं हुआ। कला संकाय प्रतिनिधि पे केवल एक कैंडिडेट थी हमारी, प्राची बंगाली, और वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि के रूप में मनीषा बेलवाल केवल एक कैंडिडेट। हमारे यहाँ छात्र हैं 1413 और छात्राएं हैं 2263, कुल हैं 3673। हर साल जाते हैं। दोनों एक तरह हो, निकास होगा बेटा, मेरे पे ऐसी रहना बेटा, बोल लगे होना चाहिए, निकास प्रवेश और निकास।